हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये व्लॉग मैंने उसी के आगे कंटिन्यू किया है, कल आपने देखा था हम जा रहे थे सिंथेन टॉप। तो जी हां, बस थोड़ी ही देर में आपका ये जो इंतज़ार है वो ख़त्म हो जाएगा, साथ में हमारा इंतज़ार भी ख़त्म हो जाएगा। कितना सुंदर व्यू है आप देख सकते हैं, साइड साइड में बर्फ़ चल रही है, सामने बर्फ़ का पहाड़ है और सुंदर सुंदर खुला आसमान है। सो बहुत अच्छा लग रहा है देख करके। तो ये वाली क्लिप मैं फिर से शेयर कर रही हूँ आपके साथ। लोग यहाँ पे बाइक से आते हैं, कार से आते हैं और यहाँ की ब्यूटी का लुफ्त उठाते हैं। तो ये देखिए जो रास्ता है वो मुड़ गया है, तो चलिए चलते हैं। पूरे बाप रे, देखो कहाँ जा रहे लोग। मैंने यहाँ पे जैकेट पहन ली है एक, लेकिन उसके बाद में भी बहुत ठंडी लग रही है और हवा यहाँ पे बहुत ज्यादा है। लोग नीचे से 12,500 फीट ऊंचे ऊपर आ चुके हैं। ये देखिए यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, इसके आगे भी एक पॉइंट और है। बहुत ठंड है, बहुत सनस्क्रीन लगाना यहाँ बहुत ज्यादा जरूरी है। ठंड के साथ साथ यहाँ पे ना बहुत तेज है, जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो फट जाती है और रेड तो होती है क्योंकि धूप है। बात एकदम फटने वाली है, गरम गरम चाय अभी हम लोग पियेंगे। चलिए अंदर चलते हैं। बालू को तो कैसे संभालू। तो गाइज देखा आपने कितनी ज़्यादा तेज हवा है, मतलब यहाँ पे हवा की ठंड बहुत ज़्यादा थी, धूप बहुत तेज़ है आप देख सकते हैं। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे ठंड कैसे हो सकती है जब इतनी तेज़ धूप है, तो नहीं गाइज यहाँ पे धूप के साथ साथ बहुत ज़्यादा ठंड है। सो आप लोग अगर यहाँ आते हैं तो सनस्क्रीन अपने साथ ज़रूर लेकर के आएँ, धूप से वो आपको प्रोटेक्ट करेगा वरना आपकी स्किन बहुत ज़्यादा फट जाएगी। सो हम लोगों ने यहाँ पे चाय और बिस्किट लिया था, फिर साथ में मैगी भी ऑर्डर कर दी थी। आप इधर ही रहते हो 12 महीने? 4 महीने यहाँ रहते हो और लोगों को मैगी बनाते हो, चाय बनाते हो, है? अच्छा, तो बहुत अच्छी चाय बनाई आपने। बहुत अच्छी चाय बनाई यार, अभी अभी हमने चाय पी। आप कहाँ से आए भैया? हम लोग बॉम्बे से आए हैं। बॉम्बे से? हाँ। बहुत बढ़िया यार, यहाँ पे कोई एनिमल नहीं आता, कोई जानवर नहीं आता? यहाँ कहाँ आता है, यहाँ तो बहुत सारे है। आते हैं? जानवर थोड़ा नीचे रहते हैं, बीच के इलाकों में, बीच के इलाकों में जिधर जंगल है। वैसे हम घर में बैठते हैं कश्मीरी लोग, ऐसे ही बैठते हैं नीचे, नीचे जमीन पे बैठते हैं ना, जमीन पे बैठते हैं। वहाँ पे एक वो रहता है, कालीन रहता है और उधर बैठ जाता है या अदर कोई शीट रहता है। हाँ, तो उसमें बैठते हैं हम, ये नहीं चेयर वेयर पे नहीं बैठते हैं हम। हाँ 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 वैसे शाम को जो खाना खाएंगे, हाँ, दस्तरखान एक होता है, हाँ, हम नीचे बिछाते हैं, हाँ, उसके ऊपर प्लेट व्लेट लगा के सारे लोग इकट्ठे, हाँ, बैठे हैं अभी। करेक्ट करेक्ट, तो वैसे बैठे खाना खाते हैं। ओके ओके ओके, चाय भी पीते हैं घर, उसी तरीके से पीते हैं। सही है, सही है, अभी शादी रिसेंट हुई है। अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे गरम गरम मैगी इंजॉय करने, पीयू और मैं हम लोग साथ में शेयर करेंगे। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे न्यूट का परफ्यूम दिखा रही हूँ, जिसका प्राइस सिर्फ 599 है और आप पैकेजिंग देख सकते हैं कितनी सुंदर पैकेजिंग आता है, जैसा कि आपको किसी ने गिफ्ट दे दिया हो। और यहाँ पे इस तरह से परफ्यूम अंदर होता है, यहाँ पे टेस्टर दिया होता है, साथ में आपको कॉफ़ी बीन्स भी दी हुई है। तो आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल पैकेजिंग में आता है और इसमें 6 अलग अलग फ्रेग्रेंस हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। चलिए
एंड आपने देखा होगा जो और परफ्यूम होते हैं वो 2-3 घंटे ही स्टे करते हैं, बट ये 8 आवर्स तक परफ्यूम स्टे करेगा। तो ये परफ्यूम आप मूड और ओकेजन के हिसाब से यूज कर सकते हैं। जो फर्स्ट परफ्यूम है उसका नाम है टाइमलेस। तो ये जो परफ्यूम है ये एवरीडे यूज के लिए बेस्ट परफ्यूम है। सेकेंड परफ्यूम है वो है हिप्नोटाइज। तो अगर आप किसी से मिलने जा रहे हैं तो इस परफ्यूम का यूज जरूर करें। जो इसका इंग्रेडिएंट है वो है ऑरेंज फ्लावर एंड बलगोनी, जो कि आपको किसी को अट्रैक्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो जो थर्ड वन है उसका नाम है मैजेस्टी। तो इस परफ्यूम को आप जब अपने आप को पैम्पर करना चाहते हैं या फिर आप अपने आप को कोई गुड फील लेना चाहते हैं तो इस परफ्यूम को आप आराम से लगा सकते हैं। तो इस परफ्यूम को लगाने से आपका जो मूड है वो अपलिफ्ट होगा और आप हैप्पी हैप्पी होंगे। एंड जो फोर्थ वन है इसका नाम है स्टेनर। इसके इंग्रेडिएंट की बात करूँ तो इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है कुकम्बर, सैंडलवुड, ग्रीन लीव्स, लेवेंडर, जिसकी वजह से इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। तो फिफ्थ वाले परफ्यूम का नाम है सेलेट्री। तो इसका इंग्रेडिएंट जो है वो है ग्रीन एप्पल, मिंट, लेवेंडर। एंड अगर आप कोई रोमांटिक डिनर पे जा रहे हैं तो आप इस परफ्यूम को लगा के जा सकते हैं। तो ये जो लास्ट परफ्यूम है इसका नाम है, तो मैं आपको इसका इंग्रेडिएंट भी बता देती हूँ। इसमें है ब्लैक पेपर, हार्ट नोटेड ऑफ जैस्मिन, रोज एंड नाइट ब्लोइंग। तो ये सारे परफ्यूम काफ़ी अच्छे हैं। तो किस बात का आप इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी जाइए और लिंक से आप इसको परचेज कर सकते हैं। जल्दी चेकआउट करिए और इसके बारे में आपकी क्या ओपिनियन है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी तो न्यूड ने मेंस के लिए भी ये परफ्यूम लॉन्च कर दिया है। तो अगर आप अपने भाई, बॉयफ्रेंड या हस्बैंड को गिफ्ट देना चाहते हैं तो आप उनको भी ये गिफ्ट पाउच दे सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। तो जल्दी जल्दी जाइए और आप इसको परचेज कर लीजिए। पड़ता हुआ आएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई नहीं आता जाता है, चंद ही लोग यहाँ पे आते हैं। बहुत ऊपर है, बहुत हाइट पे और बहुत ठंडा है, इतनी ज़्यादा हवा है कि बोलना, चलना, बैठना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। तो चलिए मैं नीचे उतर रही हूँ, आप देख सकते हैं ये मेरे नीचे उतरते हुए कदम है, मिलती हूँ नीचे आपसे। मैडम क्या हो गया? दौड़ती भागती हुई मैं नीचे आ गई क्योंकि मेरे कानों में भी दर्द हो रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आंखों में भी दर्द हो रहा है और ऐसा लग रहा है सब कुछ ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है। दोस्तों ये जो इनको हो रहा है इसको ज्यादा ठंडी के कारण एक्चुअली इमोशनल ब्रेकडाउन होते हैं, तो वो एक नॉर्मल बात है। अरे मैं कैप भी नहीं लगा पा रही थी, उन्होंने कैप भी नहीं लगाया, तो मैं इसीलिए कैप लगा के था। ये फोटो के चक्कर में उन्होंने कैप नहीं लगाया था। नहीं नहीं वो निकल जा रही थी। बेसिकली बहुत ज्यादा जब ठंड होती है तो आदमी इस तरह से बहुत परेशान हो जाता है। हवा बहुत ज्यादा जो भी इनकी हालत हो रही है। एक्चुअली एम्बियंट टेम्परेचर उतना ज्यादा कम नहीं है, बट हवा होने के कारण से इट फील्स लाइक माइनस टेम्परेचर, माइनस 5-7 डिग्री, 10 डिग्री जैसा फील हो रहा है अभी। तो ऐसा है, चले नीचे। यहाँ पे रुकना चाहिए था, फोटो खिंचानी है तो।
हम लोग बीच रास्ते में थोड़ा सा नीचे उतरे ही थे कि यहाँ पे चारों तरफ बर्फ दिख रही थी, तो बीच में उतर के थोड़ा फोटो शूट करवाया। बहुत अच्छा फोटोज आया है गाइज, यहाँ पे खुली रोशनी, खुला बादल आसमान की वजह से, और ये वाइट वाइट जो चारों तरफ सीन है ना, ये जो बर्फ है, इससे इतना सुंदर फोटोज आ रहा था। सो हम लोगों ने बहुत सारे फोटोज क्लिक कराए हैं। पीहू तो नीचे उतर ही नहीं रही थी, कार में ही बैठी थी, वो बोल रही थी मैं यहीं बैठूंगी। सो गाइज आपने देखा कितना अच्छा नज़ारा है यहाँ पे, यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। इंस्टा के लिए मैंने बहुत सारे रील्स बनाए हैं, सो इंस्टा पे जरूर फॉलो करिएगा। मेरी बैठी वाली कैसी आ रही है फोटो? तो बस गाइज यहाँ से निकलते हैं, और अभी यहाँ से जाने में कम से कम 4 से 5 घंटे लगेंगे। yes! भैया 4 घंटे लगेंगे यहाँ से। लगेंगे बिल्कुल। हम लोग कम है गाड़ी से और फिर उतर जाते हैं फोटो के लिए। फिर मन हो गया कुछ फोटोज क्लिक करने का, क्योंकि पीछे पूरी वाइट वाइट आपको यहाँ पे बर्फ ही बर्फ दिख रही होगी। तो फिर से हम लोगों का मन हुआ है, बस हमने डिसाइड कर लिया कि अब हम यहाँ रुकेंगे नहीं, सिर्फ एक बार नीचे और रुकेंगे जहाँ पे वो वाटरफॉल है वहाँ पे बस। क्योंकि फोटो का तो कोई खत्म ही अंत ही नहीं है, खींचते ही रहो। अभी 1 बज रहा है, दोपहर के 1 बज चुके हैं। यहाँ से हम लोग अब निकल रहे हैं नीचे घर की तरफ, नहीं रूम पे जाने के लिए। तो हम जा रहे हैं श्रीनगर ही तो जा रहे हैं, श्रीनगर में ही आज हमारा स्टे है। तो चलिए चलते हैं गाइज। हमने कमिटमेंट किया था कि हम उतरेंगे नहीं, पर हम फिर उतर गए हैं जंगली फूल की फोटो लेने के लिए। दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए यहाँ पे आपको जंगली फूल देखने को मिल रहे हैं, जो कि दोबारा कभी देखने को पता नहीं मिलेंगे कि नहीं। मैं आपको फेस टू फेस दिखा रही हूँ बिल्कुल लाइव। और ये है यहाँ पे सफेदा के पेड़। क्या सफेदा? तुम्हारे में इसमें वो नहीं, सफेदा वीडियो में। ये है सफेदा के पेड़, देखिए इसमें आपको फूल पत्ती कुछ भी नहीं मिलेगा और ये बिल्कुल वाइट हो जाते हैं। तो गाइज मेरे इस एफर्ट के लिए लाइक जरूर करिएगा इस वीडियो को। ये देखिए यहाँ पे मैं आपको फिर से बार बार उतर के अच्छे अच्छे, सबसे ज्यादा मेरे एफर्ट के लिए भी, इनके एफर्ट के लिए। हाँ यही उतरे, मैं तो मना कर रही थी बट इन्होंने कहा उतरो उतरो, तो फिर से हम आ गए मुझे लाने के लिए। आओ, थैंक यू सो मच। अच्छा एक मिनट रुको, अरे जरा सा पैर स्लिप हो जाए, मत करो भाई ऐसे। इतना बड़ा पेड़ है वो, ये टूटने वाला है पेड़। देखिए ऊपर की साइड में कोई भी वनस्पति नहीं होती, बहुत कम पेड़ पौधे होते हैं। फिर जैसे जैसे नीचे जाते जाते हैं वैसे ही पौधे बढ़ते जाते हैं, और नीचे जाने से अब ये देखिए साइड में और जंगल हो गया है, मतलब नीचे पूरा जंगल ये रहता है, और इन्हीं जंगलों में घना जंगल है, देखिए नीचे आपको दिख रहा है तो, और इन्हीं जंगलों में रीछ, भालू और स्नो लेपर्ड और वुल्फ ये सब लोग विचरते हैं, मतलब घूमते हैं इन्हीं जगहों पर। और इन जंगलों में बहुत सारी जड़ी बूटियां भी होती हैं कश्मीर के जंगल में, तो जिन लोगों को पता है तो जड़ी बूटी भी यहाँ से ले लेके जाते हैं। हाँ जैसे शिलाजीत हो गई, और ये तो
एक लाख की शर्त लगा रहे थे। आ जाओ, बार बार मत उतरो। चीड़ का फल लेने गए, चीड़ का फल। ये है चीड़ का फल, इसको घर में एज अ डेकोरेशन पीस रखा जाता है। देखिए इनको, ये कहाँ जा रहे हैं। के दीवाने, वाह 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 वाह, क्या बात है। अकेले अकेले फोटो देखो कहाँ कहाँ खिंचवाई जा रही है। तो अभी हम लोग काफ़ी नीचे उतर आए हैं और यहाँ पे ये वाटरफॉल है, बहुत सुंदर वाटरफॉल था, सो हम लोग को यहाँ पे भी फ़ोटो क्लिक करानी ही थी। वीडियो चालू है, वीडियो चालू है। और मैंने, वाह बहुत अच्छा पानी है, एकदम ठंडा फ्रेश पानी। हम यहाँ सबसे पहले आए थे, गल रहे हैं। गल रहे मतलब ठंडा हो रहा है, ठंडा हो रहा है। इनका गलना मतलब ठंडा होना होता है। ये लोग ठंडा होने को गल रहे हैं, मतलब गल रहा है, ठंडा हो रहा है। हम यहाँ सबसे पहले आए थे और उसके बाद देखिए कई सारे लोग आ गए यहाँ पे। ये देखो ठंडा पानी, बस बस यही पे रहो। अभी भी जो बॉटल भरते हैं वो फ्लो की तरफ करके मत भरो, ऐसे भर सकते हो इतना साफ पानी की, फ्लो की तरफ करके भी उल्टा करके भरना चाहिए ऐसा, तो साफ पानी आता है। क्या बहुत ठंडा पानी है। हाँ पे बैठी है पानी में, पैर डाल के, जो कि बहुत ठंडा है। पीयू ठंडा नहीं लग रहा? ओ थोड़ी देर ऊपर कर लो। तो गाइस अभी हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारी फोटोज क्लिक करवाई हैं, आप देख सकते हैं पीछे कितना सुंदर ये झरना आ रहा है। ये झरना जो है, ये जो पानी है, ये आगे जाके झेलम नदी में मिलता है और उसी के बीच में हमें ये झरना मिला, मतलब हमारे रास्ते के बीच में। और यहाँ ज़्यादा फुटफॉल नहीं है, बहुत कम लोग आते हैं, वेरी रेयरली। आप देख सकते हैं पीछे एकदम कोई आदमी नहीं है, धूप है और बढ़िया मौसम है, एकदम बढ़िया। चले तो चलते हैं आगे और टू आवर डेस्टिनेशन। हाँ बेटा यही पे पहन लो, बैठो तुम बैठो। चलिए चलिए ठंडा ठंडा पानी, चलो भाई पीयू को बैठा दो, बैठो 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 बैठो। तो आगे चल के हम लोगों को यहाँ पे एक वाटरमेलन वाले भैया दिख गए थे, तो उनसे हम लोगों ने वाटरमेलन लिया और फिर वाटरमेलन खाया क्योंकि भूख भी लग गई थी। कम पियो। सो अभी हम लोग उतरे हैं थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए और थोड़ा बहुत ऐसे ही देखने के लिए, चाय वगैरह कुछ पीते हैं। तो हम लोगों ने चाय तो नहीं बट हाँ कावा पिया था, जो कि सर्दी में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद कर होता है। सो ये बना रहे हैं, हम लोग ने दो तीन दिन कावा पिया और बहुत अच्छा लगा। ये ड्राई फ्रूट होता है, इसमें केसर होता है और बहुत सारे हर्ब्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी है। बैठो बैठो मैं देती हूँ, बैठो। ये है कावा। तो अभी बस फिर हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, कावा पी लिया है। यहाँ पे हैं तो बड़ी अच्छी अच्छी चीज खरीद रहे हैं, पर बहुत भीड़ है यहाँ पे। हाँ सब लोग अंदर घुस गए। ये भी टूरिस्ट बस आ गई है जिसकी वजह से अंदर उस शॉप पे बहुत ज्यादा भीड़ आ गई है। अभी और कितने किलोमीटर बाकी है? 10-20 किलोमीटर।
10-20 किलोमीटर तो अभी हम लोग श्रीनगर में एंटर कर चुके हैं और बस अब जल्दी ही होटल आने वाला है। आगे यहाँ पे पुलिस चेकिंग हो रही है, चेक पोस्ट है क्या? होटल ललित पैलेस। ओके ओके, यहाँ सिक्योरिटी लगी हुई है। मम्मा, होटल आगे मेरा? नहीं नहीं अभी नहीं है।